चंडीगढ़ से ही सामने आ रही, आज भी धरने पर बैठेंगे कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि धोली की जमीन ब्राह्मणों से वापस लेने के खिलाफ कुलदीप वत्स धरना देंगे। और कल भी विधानसभा परिसर में धरने पर बैठे थे कुलदीप वत्स। बड़ी खबर जो कि चंडीगढ़ से सामने आ रही, आज भी धरने पर बैठेंगे कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स। और कुलदीप वत्स ने बजट सत्र के दौरान भी धोली की जमीन का मुद्दा उठाया था और धोली की जमीन ब्राह्मणों से वापस लेने के खिलाफ वो धरना देंगे। और कल भी विधानसभा परिसर में धरने पर बैठे थे कुलदीप वत्स। बड़ी खबर आपको बता रहे जो कि चंडीगढ़ से ही सामने आ रही है, और कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स जो है धोली की जमीन को लेकर सरकार से लगातार प्रश्न भी पूछ रहे हैं और लगातार सरकार पर आरोप भी लगा रहे हैं कि धोली की जमीन ब्राह्मणों से उन्होंने वापस ले ली और वो जमीन वापस दिलवाने के लिए वो जो है सरकार से लगातार जो है आग्रह कर रहे हैं और इसी मार्फत जो है वो धरने पर बैठेंगे। तो इसी मार्फत जो है ज्यादा जानकारी के लिए राकेश गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश जी, धोली की जमीन का जो मामला है अब की बार बजट सत्र में खूब गूंजा और कुलदीप वत्स जो है आज भी धरने पर बैठे रहेंगे, तो इस मुद्दे को कितना अहम माना जाए, उनकी इस मांग को कितना अहम माना जाए? राकेश जी से जो है हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा कोशिश करेंगे उनको जोड़ने के। बहरहाल आपको बड़ी खबर बता देते हैं जो कि चंडीगढ़ से सामने आ रही है, आज भी धरने पर बैठेंगे कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स। और कुलदीप वत्स लगातार धोली की जमीन के मुद्दे को उठाते रहे हैं और विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भी उन्होंने धोली की जमीन को लेकर सीएम मनोहर लाल से प्रश्न भी पूछा था और कल भी विधानसभा परिसर में धरने पर बैठे थे कुलदीप वत्स और आज भी धरने पर बैठेंगे कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स। बड़ी खबर आपको लगातार हम चंडीगढ़ से बता रहे हैं, तो इसे मार्फत ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता राकेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, धोली की जमीन पर जो है कुलदीप वत्स आज भी धरने पर बैठने वाले हैं और वो कल भी धरने पर बैठे थे, तो कितना अहम धोली की जमीन का मुद्दा माना जाए? देखिए, जो धोली की जमीन है उसका मामला गर्मा गया है। आप देखिए, जिस दिन से सदन में ये बात उठी है और कैबिनेट के जरिए जो धोली की जमीनें हैं वापस लेने का फैसला लिया गया है, तब से सदन में मामला गर्माया हुआ है और कल भी गर्माहट पूरी देखने में आई। कुलदीप वत्स जो कांग्रेस के सदस्य हैं, उन्होंने सदन में भी बात उठाई, वेल तक भी गए कागजों को लहराते हुए और मांग की कि धोली की जमीनें जो है वापिस, जो ये फैसला लिया गया है इसे वापिस लिया जाए। लेकिन तब कल सदन में भी गर्मा गर्मी हुई। जो राजस्व मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं दुष्यंत चौटाला, उन्होंने पूरी डिटेल, उन्होंने कहा कि ये जो इसकी जो अतीत में जो हुई है, जो अगर हुडा लीडर ऑफ अपोजिशन भूपेंद्र सिंह हुडा चाहते हैं तो उनकी जांच हो। उनका कहना था कि 92 एकड़ ही मात्र जो है इंडिविजुअल कैपेसिटी में है, बाकी 1250 एकड़ के आसपास जो है सरकारी जमीनें जो है ढोली की दी गई है। उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि इसमें भी गड़बड़ हुई है। तो इस बात पर जो है कल भी तिखी तलखी जो है सदन में आई और कुलदीप वत्स सदन से वॉकआउट कर जो है परिसर में गांधी जी की मूर्ति लगी है, उस मूर्ति के जो थड़ा है उस पर आकर वो धरने पर बैठ गए। सारा दिन जो है कल शाम तक धरने पर बैठे और कल हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा था कि वे अपना धरना जो है कंटिन्यू रखेंगे। आज भी जो वत्स हैं वो धरने पर बैठेंगे इसी मांग को लेकर। उन्होंने ये भी कहा कि वे विधानसभा जो सत्र है खत्म होने के बाद लोगों में इस बात को लेकर जाएंगे और जरूरत पड़ी तो न्यायालय में भी इस बात को लेकर दस्तक दे सकते हैं। जी राकेश जी, अब की बार सत्र में अगर विपक्षी पार्टियों की बात करें, विपक्षी नेताओं की बात करें, तो लगातार वो सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरते नजर आए, तो इस सत्र के बाद क्या माना जाए, सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्योंकि विपक्षी नेताओं की ओर से ये भी कहा गया कि मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे, जनता को बताएंगे बजट उनके लिए कैसा है, बजट कितना फायदेमंद है, कितना फायदेमंद नहीं है। देखिए, इसके दो पहलू हैं जो आप पूछ रही हैं जी। क्योंकि सदन के बाहर पब्लिकली आपने हमेशा देखा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कभी भी सरकार की तारीफ नहीं करती, खासकर विपक्षी दल। बिल्कुल, सदन में क्योंकि डायरेक्ट फेस करना होता है, एक डिबेट रहती है, तो ऐसे में सरकार का जो उद्देश्य रहता है कि सदन में बचा जाए किसी तरह के डिबेट के, क्योंकि वो कार्रवाई का हिस्सा बनता है और रिकॉर्ड में आता है। क्योंकि पब्लिकली जब सरकार भी जाती है, अपनी रैली धरने करती है, जनसभाएं करती है, तो वो उनके जो उनके समर्थक हैं उन्हें संबोधित करना है, बाद में मीडिया के जरिए और लोगों को पता लगता है अगले दिन या टीवी देखने के बाद या सोशल मीडिया देखने के बाद कि क्या जो है वहां पर हुआ।
तो कुल मिलाकर सदन के बाहर सब स्वतंत्र हैं, लेकिन सदन में एक मर्यादा रहती है, बिल्कुल स्पीकर को हाउस कंट्रोल करते हैं, कई दफा स्पीकर बोलना अलाउ भी नहीं करते हैं। बिल्कुल कितने सवाल आपने देखा कि सैकड़ों की तादाद में सवाल आते हैं, बिल्कुल लेकिन 20 सवाल डेली लगते हैं, 20 का जवाब भी नहीं हो पाता, उनका लिखित जो आंसर है वही रहता है। सवाल का लिखित जो जवाब है वो मायना कम रखता है, जो सप्लीमेंट्री के बाद जो सरकारी मंत्रियों का सरकार की तरफ से जवाब आता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई दफे जानकारी या निर्णय उसमें ज्यादा छिपे होते हैं। तो कुल मिलाकर जो बजट है, आपने पहले दिन से देखा कि विपक्ष का क्या रुख है, बिल्कुल, और सत्ता पक्ष का रुख भी आप लगातार देख रहे हैं कि बजट को लेकर क्या है। बिल्कुल। अब ये क्योंकि सदन आज जो है खत्म हो जाएगा सत्र, तो ये अपने अपने डफली अपना अपना राग जो है अलापेंगे लोगों के बीच में जाकर, और जानकारी ये भी मिल रही है कि जो सत्ताधारी दल है उन्होंने अपने जो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उन्हें ये भी कहा है कि वे लोगों के बीच जाकर बजट की अच्छी बातें बताएं। और आपने ये भी देखा कि किस तरह से जो बजट को लेकर, एक खास बात ये थी कि मुख्यमंत्री के पास वित्त मंत्रालय है और पहली दफा हुआ है राज्य में कि किसी मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया हो। मुख्यमंत्री ने उस दिन 2.5 घंटे के आसपास जो है, एक दो मिनट कम होंगे, 2.5 घंटे के आसपास बजट पेश किया, उसके बाद एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद भी मीडिया से बात की। मुख्यमंत्री ने कवायद की थी, 2 महीने पहले से एक्सरसाइज शुरू की थी उद्योगपतियों से, व्यापारियों से, समाज के दूसरे वर्गों से, नुमाइंदों से, पंचायती राज संस्थाओं के नुमाइंदों से, स्थानीय निकाय की जो संस्थाएं हैं उनसे, अधिकारियों से, महिलाओं से सबसे बात की, उसके बाद बजट